और अग्निपथ को लेकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान, सिस्टम बदलने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। कई सालों से सुधार की बात चल रही थी, अब कल की तैयारी के लिए हमें आज बदलाव करना होगा। जवानों के लिए नए तरह के हथियार मौजूद हैं, वक्त के साथ सेना में बदलाव बहुत जरूरी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज कई सवालों के जवाब दिए, जिसको लेकर लगातार पब्लिक डोमेन में बात कही जा रही थी। कई सारी राजनीतिक पार्टियां जिन सवालों को उठा रही थी, कई सारे युवा इस बात को लेकर सशंकित थे। देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, ये कहा अजीत डोभाल ने। नई चुनौतियों का सामना करना होगा और ये सारी चीजें, ये बदलाव देश के लिए बहुत जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और हमें एक यंग फोर्स चाहिए। ये 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहां भर्ती होने वाले लोगों की हैं। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि सीपीएमएफ की भर्ती 40,000 या 50,000 की है, तो उसमें 5,000 जाएंगे। या 10% अगर जो उनके 3,000 या 4,000 लोग या 5,000 लोग जो है, वो उनके जो उसका 10% नहीं होगा, ये इन नहीं। अब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रगति हो रही है। पहला आदमी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो आज से 5 साल के बाद में होगा, उस वक्त भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। प्राइवेट सेक्टर एक नई गति और नई दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम होंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। उन लोगों को ये लोग चाहिए जो डिसिप्लिन हों, ट्रेनेबल हों, और जिनके साथ जिनके पास में उम्र हो। इनका सबसे बड़ा असेट है इनकी उम्र, कि ये अभी भी यंग है। ये वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है। आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल 26 साल होती है। देखिए, आज हम उस ज़माने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 लाइफ 2 करियर्स की बात करते हैं, अब तो लोग 1 लाइफ 3 करियर्स की बात करते हैं। कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32-33-34 साल का होता। इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज इतनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है, 3-4 साल हुए हैं। अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है, कोई लड़की होगी तो वो भी 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी। उसके पास में जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं। पहले का ज़माना फ़र्क था, किस ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था। गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता था। आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता। तो ये आप अजीत डोभाल को सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा। 25% हम आर्मी में री एनरोलमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे। वी विल वॉन्ट टू सिलेक्ट द बेस्ट एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन आई वुड से फीचर्स और एडवांटेज ऑफ द स्कीम। अब इसको किस तरह से हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, इसमें 3-4 मुख्य मुद्दे हैं। हम चाहे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो पूरी तरह पारदर्शी हो, पूरी तरह निष्पक्ष, दैट इज़ इट इज़ अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम, एंड लास्टली विश्वसनीय। उन्हें समझना चाहिए कि जो 4 साल के बाद अग्निवीर बाहर जाएंगे, उनकी उम्र लगभग 22-23 साल की होगी। उस समय उनको एक तो हायर एजुकेशन के बहुत सारे चांसेस हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से उनको इस 4 साल की सेवा में क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और सेवानिधि पैकेज है जो कि लगभग 12 लाख के आसपास है। तो इस क्रेडिट पॉइंट्स और सेवानिधि पैकेज दोनों को लेते हुए आगे हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हायर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो उम्र उनके साथ में है। दूसरी बात है जो फॉर अ जॉब, आपने सुना होगा कल ही होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि उनके स्टेट पुलिस फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरी बात है कि
जिस सेवानिधि पैकेज को लेते हुए इस युवा को चांस है अपना एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपनी एक वेंचर स्टार्ट करने के लिए, और जो 25% जो री एनरोल हो जाते हैं उनको तो फौज में पेंशनेबल जॉब मिलेगा ही। मेरा मैसेज है कि ये ऐसा प्रोटेस्ट और वायलेंट एक्टिविटीज होना ही नहीं चाहिए, उनको ये स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशंस किया है और हमने भी प्रेस रिलीज़ किया है इसके बारे में, काफ़ी स्टेटमेंट्स रिलीज हुए हैं और डिस्कशंस भी हो गए हैं, और किसी को अगर कोई डाउट है तो हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये स्कीम से किसी का अपॉर्चुनिटी कम नहीं हो रहा है, और हम लोग इसमें से फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी एक फीडबैक आया था रिसेंटली कि कल ही फीडबैक आया था कि आपका जो 2 साल से रिक्रूटमेंट हुआ नहीं था तो इसलिए कई लोगों का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। तो तुरंत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जो एज लिमिट जो था 17.5 to 21 उसको इंक्रीज़ करके इस साल के लिए उसको 23 तक कर दिया।